हेलो वेलकम सुपरमार्केट सिमुलेटर बहुत दिनों के बाद एक कोई अच्छा सा सिमुलेटर गेम रिलीज हुआ है आई एम सॉरी कुछ दिनों से मैं सिम्युलेटर गेम खेल नहीं रहा था क्योंकि कोई अच्छा सा गेम नहीं हुआ था रिलीज बट ये मुझे बढ़िया गेम लग रहा है जहाँ पे हमको एक सुपरमार्केट संभालना है एंड मुझे हमेशा से एक सुपर चलाने का एक्सपीरियंस लेना था ट गेट स्टार्ट द न्यू गेम आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस गेम वेलकम टू सुपर मार्केट सिमुलेटर यू विल स्टार्ट विदॉल स्टोर एंड ग्रो टू एन ऑसम सुपर मार्केट तो हमारा छोटा सा स्टोर होगा जिसको हमको बहुत बड़े एक मॉल में कन्वर्ट करना है और हमको ये स्टार्ट करना है परचेसिंग गुड्स एंड सेल्स से एंड प्लेस देम इन टू द शेल्स ओके और मैं अपने प्राइजेस को भी सेट कर सकता हूँ टू अवॉइड बैंक क्रप्सी वाओ बाई सीरियसली बहुत प्यारे ग्राफिक्स है आई मीन कितना प्यारा सनसेट है ये आई मीन सनराइज है ये जो भी बोलते हैं इसमें गाड़ियाँ भी है ऑर्डर गुड्स यूजिंग योर कंप्यूटर एक सेकेंड मेरे को तो थोड़ा सा ना माउस का सेंसिटिविटी कम करने दो बहुत ज्यादा है ये दैट्स ऑल राइट अभी ठीक है सो गाइज लेट्स गो अरे ये तो आई थिंक मोस्ट इजी है बी थी बतानी अभी सबसे पहले अपने स्टोर के अंदर चलते हैं तो ये हम लोग गाइज अपने स्टोर के अंदर आ चुके हैं यहाँ पे एक पी है इंटरेक्ट करते हैं एंड अभी हमको कुछ चीजें ऑर्डर करनी है सो सबसे पहले मार्केट में, में मेरे पास अभी पचास डॉलर से आर यू सीरियस भाई बहुत कम पैसे है तो मैं यहाँ पे कैटेगरी वगैरह सेलेक्ट कर सकता हूँ तो सबसे पहले कौन सी चीज़ ऑर्डर करें मुझे लग रहा है हमको सबसे पहले थर्टी फाइव डॉलर का एक है तो एक ये और एड टू काट करते थर्टी फाइव डॉलर का और ये ग्यारह डॉलर का स्लाइस ब्रेड है ये एक ऑर्डर करते हैं ठीक है तो इसको एड टू काट करते टोटल फोर्टी सेवन डॉलर लगेंगे तो सबसे पहले हम ब्रेड बेचेंगे तो मैंने इसको ऑर्डर कर दिया है और ये ऑर्डर कैसे आएगा मैं भी कोई ट्रक वगैरह अरे आ भी गया अरे दैट्स सो इजी तो अभी इसको पिकअप करते हैं इसके अंदर ब्रेड है ओ दिस इज़ सो रियल भाई ओके ऐसे ओके क्लिक करके रखवाना है ठीक है ये तो काफ़ी सारे ब्रेड्स सा आ गए इसमें बहुत बढ़िया तो ये काम हो गया अभी इस बॉक्स को मैं क्लोज कर देता हूँ जी टू ड्रॉप आ, यहाँ पे एक वैसे से ये या दरवाजे पे नहीं हम बॉक्सेस को ना इधर रखेंगे किसी कोने में इसको सबसे पहले हमको ओपन करना पड़ेगा और एक एक रखवाते हैं चोको चिप्स ये भी रखवा दिया मैंने बहुत बढ़िया जी टू इसको क्लोज़ करते हैं सबसे पहले क्लोज़ करना है सी टू क्लोज़ क्लोज करके रखवाना है इसके क्लोज करो और जी से यहाँ पे रखवा दो ओके सो so, दो बॉक्सेस तो मैंने यहाँ पे रखवा दिए अभी कस्टमर कहीं से आएंगे पता नहीं देखते बाहर जाके यार अभी भी मुझे उसका ना सेंसिटिविटी थोड़ा सा और लग रहा है थोड़ा सा और कम कर देता हूँ मैस अभी इतना हम्म ये एकदम परफेक्ट है आ, इसके अंदर क्या ओ मैं इसके अंदर एम्प्टी बॉक्सेस को थ्रो कर सकता हूँ ओके ओके गॉट इट गॉट इट गॉट इट वो मुझे हर हर बार इसको यहाँ पे फ्रो करके रखने की ज़रूरत नहीं है ठीक है परफेक्ट और इससे मेरे को पैसे भी नहीं मिल नहीं मिलेंगे यार अभी सर ऐसे आठ बज रहे सुबह के इसको भी उठाते हैं और मैं इसको भी यहाँ पे रखवा देता हूँ परफेक्ट तो हेलो सर कुछ ब्रेड वगैरह खाना चाहेंगे आप हमारी दुकान में बहुत बढ़िया ब्रेड मिलता है ए क्वालिटी का रुकना ये तो रुकी नहीं रहा है बता नहीं यार अभी uh, क्या अभी क्या करना है सेट द प्राइजेस ऑफ द प्रोडक्ट्स अभी मुझे कहा इसके प्राइजेस सेट करने हैं तो मैंने इसको बाय करा है जीरो पॉइंट नाइन्टी नाइन सेंट्स में और मैं इसको मार्केट अप टू थ्री डॉलर में बेच सकता हूँ तो इसको मैं तीन डॉलर थ्री पॉइंट नाइन्टी एट डॉलर में हम बेचेंगे ठीक है प्रॉफिट होगा हमको दो डॉलर का और इसका भी प्राइस सेट करने का है तो इसका भी प्राइस सेट कर देता हैं इसका फाइव uh, डॉलर के आसपास में इसको बेच सकता हूँ तो इसको मैं फाइव पॉइंट नाइन्टी नाइन डॉलर में बेचेगा ठीक है तीन डॉलर मेरे को प्रॉफिट होगा और इसको भी 5.98 5.98 ओके तो मैंने प्राइज वगैरह डाल दिए अभी हमको पैसे मिलेंगे मेरे को लगता है अभी तक वैसे कस्टमर आया नहीं कोई अभी इसको ओके okay, ओपन करना पड़ेगा शॉप इज ओपन ना आप आ सकती हमारी दुकान में और पहली कस्टमर आ चुकी है अरे अरे इतनी जल्दी हेलो मैडम गुड मॉर्निंग आपको क्या चोको चिप्स चाहिए ओके इसने ब्रेड ले, ले लिए थोड़े से और इधर से चोको चिप्स भी ले लिए यस 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 और अभी क्या इंटरेक्ट करना है यहाँ पे कैसे करने का है भाई ओके okay. ओके okay, इसको स्कैन करने का कैसे हो गया ओ कैश दे रही है पैसा मिल गया कितना uh, हो गया बैग चेकआउट करने का कैसे करना है चेकआउट कलेक्ट द राइट अमाउंट बाय क्लिकिंग द मनी ओके कैसे क्लिक कर ओके यहां पे? ये क्या है Giving टन uh, change, received twenty, total nine point. ओ मुझे भाई <laughs> मुझे एग्जैक्टली राइट अमाउंट देना पड़ेगा oh, shit, अभी इसको मैं कैंसिल कैसे करूँ अरे भाई ये तो थोड़ा सा पंगा हो गया uh, Remove 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 रिमूव अरे रिमूव करने का मेरे को टेकिंग मनी बैक ओके ओके ठीक है ओके 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 समझ गया मैं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ओके okay, यहाँ से मैं पैसे ले सकता तो मुझे इसको टोटल दस डॉलर और पॉइंट फोर सेंट्स देने तो दस डॉलर और 0.4 फोर सेंट्स कैसा होता है वन टू थ्री फोर डन हो गया स्पेस टू अप्रूव यस भाई ये तो बहुत ज्यादा डिटेल वाला गेम है ओ <laughs> भाई कितने सारे कस्टमर्स तो आए एक सेकंड एक सेकेंड रुको तो जरा सबर करो इसने भी इसके ओके इसने काट दिया है काट दिया तो आई थिंक इजी होगा टोटल हुआ है इसका पाँच डॉलर पॉइंट सेंट्स तो मैं यहाँ पे फाइव सेंट्स लेट्स गो बहुत यूनिक गेम है आई लव दिस इसने ब्रेड लिया ये कार्ड वाले बंदे आंदो यार ये थोड़ा सा इजी होता है मेरे को लेने थ्री पॉइंट नाइनटी एट डॉलर ओके थैंक सो मच आने के लिए एक और बंदे ने ब्रेड लिया इसने क्या यार कैश का थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है तो हमारा टोटल हुआ है दो बट थ्री पॉइंट नाइनटी एट तो मेरे को इसको वापस देना है आ, दो सेंट्स एक दो स्पेस टू कंटिन्यू डन हमने एकदम बढ़िया काम करा है ट्वेंटी फोर डॉलर उसका प्रॉफिट भी हो गया एक और ब्रेड आ गया यार ये लोग इतना पैसा कैश का, मत दे हो रहे मेरे को मेरे को इसको एक डॉलर और पॉइंट टू सेंट देने तो एक डॉलर और एक दो परफेक्ट चिल्लर वगैरह भी परफेक्ट दे रहा हूँ अभी एक और ब्रेड आ गया और ये दादी जी आई है uh, इसने कार्ड लाया है बहुत बढ़िया थ्री पॉइंट नाइन्टी एट थ्री पॉइंट नाइन्टी एट्स गा ये भी हो गया और अभी चोको चिप्स आए और uh, इसने भी कार्ड दिया बहुत बढ़िया फाइव uh, पॉइंट नाइन्टी एट 5.98 डन परफेक्ट तो सात कस्टमर्स आए थे हमने पैसे दे दिए उनको और अभी मैं यहाँ से बैक लेता हूँ क्योंकि अभी मैं सोच रहा हूँ कुछ ओ, चीज़े और चीज़ें ऑर्डर करी जाएगा इसी के पे क्योंकि ट्वेंटी फाइव डॉलर आ चुके हैं तो अभी हम यहाँ पे ऑर्डर करेंगे आ, ये ऑयल ऑर्डर करते हैं अठारह डॉलर का मिल रहा है तो ये ऑर्डर द ऑयल ऑयल को मैंने ऑर्डर कर दिया परचेस ठीक है और कोई और ओके ओ ही थोड़ा सा अलग ये दादाजी आए हैं दादाजी इन्होंने चॉको चिप्स लिया है Uh, कितना फाइव पॉइंट नाइन्टी एट ओके मेरे को भी प्राइस याद रखना है मैंने कितने में उसको रखा है तो 5.98 डन हो गया काम एक और कस्टमर आई है टोटल मेरे को 25 फाइव प्रो प्रोडक्ट्स को बेचना है मेरा पहला टास्क है और आई थिंक जो मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर करा था वो आ चुका है एक बार मैं इनको इनका पैसे दे देता हूँ मतलब प्रोडक्ट दे देता हूँ थ्री पॉइंट नाइन्टी ओके और मैडम आप थोड़ा रुको मैंने एक नया प्रोडक्ट ऑर्डर रौड़ करा है कराया yeah. कोई चोर वगैरह तो नहीं आता ना वैसे इस मोहल्ले में आई डोंट थिंक सो कोई चोर वगैरह आएगा और आ भी गया तो यू नो डोंट वरी हम लोग उसको फोड़ देंगे तोड़ देंगे और इसको मैं यहाँ पे रखवाऊंगा ठीक है नीचे की तरफ ओके okay. बट इसका प्राइस मेरे को चेंज करना पड़ेगा ना वापस से ओके okay. नीचे आई थिंक अलग सा प्राइस चला जाएगा मैम थोड़ा रुको मैं इसको फेंक के आता हूँ अभी ऑयल का सबसे पहले प्राइस मैं यहाँ पे गई डाल देता हूँ यहाँ पे तो मैंने इसको बाय करा है डेढ़ डॉलर में मैं इसको चार पॉइंट पचास डॉलर में बेच सकता हूँ तो फोर पॉइंट फिफ्टी मैं एक्जैक्टली सेम प्राइस डालने वाला हूँ ठीक है फोर पॉइंट फिफ्टी ओके okay, फोर पॉइंट फिफ्टी मैंने ऑयल का प्राइस डाल दिया एंड भाई कस्टमर्स की लाइन लगी है जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा ओके okay, चॉको चिप्स लिए इसने ओके okay, कार्ड दे दिया बहुत बढ़िया नाइन पॉइंट नाइन्टी सिक्स डॉलर्स और अगर क्या मतलब क्या होगा अगर किसी के कार्ड में पैसा वगैरह नहीं होगा तो मेरे को नुकसान भी हो सकता है ना ऐसा बट अच्छी बात यार लोग कार्ड ले रहे हैं नाइन पॉइंट नाइन्टी सिक्स वही पैसे तो अच्छे खासे मिल रहे हैं बहुत बढ़िया मैंने बहुत बढ़िया काम करा है पचास डॉलर आ गए भाई एक और कार्ड नाइन पॉइंट नाइन्टी सिक्स डॉलर्स नाइन पॉइंट नाइन्टी सिक्स डन ये भी बिक गया Uh, इन्होंने ऑयल की बोतलें खरीदी जीरो डॉलर से पहले इसने खरीद लिया था नुकसान हो गया ओके okay. इस बार पैसे मिले मेरे को फोर पॉइंट फिफ्टी डॉलर वो गाइज मैंने ना प्राइस डालने से पहले उस लेडी ने वो बोतल उठा ली थी प्रॉब्लम हो गया ठीक <laughs> है uh, इसने ब्रेड और ऑयल लिया थोड़ा सा एट पॉइंट फोर्टी एट डॉलर एट पॉइंट परफेक्ट तो हो गया और ओ इन्होंने तो भाई काफी सारा सामान खरीदा है बहुत बढ़िया तेरह डॉलर भाई अरे अरे बहुत बढ़िया तेरह पॉइंट नाइन्टी फोर अच्छी बात तो ये है कि सारे लोग ना कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं है। मेरे को कैश लेना है तो भाई ये चिल्लर उठाओ ये देखो वो देखो बहुत इश्यूज हैं और अभी एक और कस्टमर आ गए ये अफ्रीका से आए लग रहे हैं कैश दे रहे भाई <laughs> ग्यारह पॉइंट नाइन्टी सिक्स और इसको चेंज ओके चेंज कोई नहीं देना है निकल ले बहुत बढ़िया इसने एग्जैक्टली सेम अमाउंट दिया था एक और आगे जेंटलमैन सूट बूट पहन के अरे सर एक सेकेंड मेरे तो सारे प्रोडक्ट्स खत्म हो गए गाइस थोड़े से और प्रोडक्ट्स ऑर्डर करने पड़ेंगे वैसे मेरे पास अभी 96 सिक्स डॉलर है तो अभी मैं अच्छा खासा सामान ऑर्डर करने वाला हूँ तो सबसे पहले ब्रेड मंगवाते हैं ब्रेड अच्छा खासा बिकता है तीस डॉलर का ब्रेड मंगवाता है फिर पास्ता मंगवाते पास्ता भी बढ़िया बिकेगा नया ना फिफ्टी नाइन डॉलर्स हो गए और फिर ये आ, फिर ये ये चोको चिप्स थर्टी फाइव का एक और ऑर्डर करते टोटल नाइन्टी फाइव हो गया मेरे पास नाइन्टी सिक्स डॉलर्स है आई मीन परचेस या यार या, टोटल अरे शिपिंग का भी कॉस्ट आता है इसमें अरे भाई ये तो महंगा है बट ठीक है तो मैंने ऑर्डर कर दिया थोड़ा सा मेरे को ट्वेंट पॉइंट्स मिल गए तो यार एक ये अंधेरा हो गया क्या इतनी जल्दी अरे इस गेम में तो अंधेरा भी होता है ठीक है मैं यहाँ पर सबसे पहले चोको चिप्स रखवा देता हूँ Uh, चाकोचिप्स इसका रेट इतना यहाँ पे मैं आई थिंक चोको चिप्स से रखे थे पहले भी तो ठीक है जहाँ पे मैंने जो सामान रखा है ना मैं वहीं पे रखाऊंगा देखिए अभी इस लेडी ने कुछ चोको चिप्स उठाए सबसे पहले मैं इनको दे देता दे और सर्व कर देता है क्योंकि यार अंधेरा होने वाला है लाइट्स वगैरह ऑन नहीं होती क्या फोर पॉइंट फिफ्टी डॉलर इसको मेरे को पॉइंट फिफ्टी सेंट्स वापस देने हैं फिफ्टी सेंट्स कैसे होता है पॉइंट फिफ्टी सेंट्स ये तो एक सेंट हुआ अरे पॉइंट फिफ्टी सेंट्स तो मैं दे ही नहीं सकता ओके गिविंग ज़ीरो इन चेंज अरे भाई तू तो क्या करे अभी इसको एक से दो मैं ये तो ओके ओके पॉइंट फिफ्टी मतलब कितना एक सेकंड एक सेकंड इसको वापस लेते हैं ये पॉइंट फिफ्टी ओके हाँ ये आई थिंक नहीं 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 पचास ओके okay, अभी हाँ ओके okay, ये पॉइंट फिफ्टी होता है और भाई बहुत अंधेरा हो गया मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इस गेम में लाइट नहीं है क्या आई थिंक मुझे ऑन करना पड़ेगा गाइज थोड़ा सा रुको मैं थोड़ा ना लाइट ऑन कर देता हूँ लाइट आ, अभी बढ़िया है भाई बहुत अंधेरा हो रहा था Uh, इसके कितने पैसे हुए चौदह डॉलर हुए फोर्टीन पॉइंट नाइन्टी एट डालर्स थैंक यू सो मच ओ इसने भी काफ़ी सारा सामान खरीदा है uh, इसने चिल्लर दिया है सोलह पॉइंट इसको तीन डॉलर पॉइंट फिफ्टी फोर वापस देना है तीन डॉलर एक दो तीन पॉइंट ये वन टू थ्री फोर फाइव चिल्लर ओके वन टू थ्री फोर एंड ये एक दो तीन चार परफेक्ट भाई मैं क्या चिल्लर बढ़िया मैं मोज रहा हूँ जो भी बोलते हैं उसको <laughs> इसका कितना नाइन डॉलर हुआ है uh, इसको कुछ वापस नहीं देना थैंक यू सो मच सर वापस जरूर आना uh, ये इसने कहा ओके okay, कार्ड यार कार्ड वाले बंदे मेरे को सही लगते हैं टेन पॉइंट फोर्टी एट डॉलर थैंक यू सो मच आने के लिए दुकान में इसने भी दिए है इसने भी टेन पॉइंट फोर्टी एट डॉलर इसने ओके okay, इसको वापस मेरे को चार पॉइंट फिफ्टी टू डॉलर देने है तो चार डॉलर एक दो तीन चार और एक दो तीन चार और ये पाँच और एक दो नाइस भाई कस्टमर्स की तो लाइन लगी है और वापस सामान ख़त्म हो गया इसके ग्यारह पॉइंट नाइन्टी सिक्स इसको वापस कुछ नहीं देना थैंक यू सो मच मैम ये भी आई है इसने क्या ओके कार्ड बहुत बढ़िया कार्ड है तो ग्यारह पॉइंट नाइन्टी सिक्स एक सेकेंड नाइन्टी सिक्स ये गलत कर दिया तो आई थिंक मेरा नुकसान होगा और आखिरी भाई मैंने सारे कस्टमर्स मैंने कंप्लीट कर दिए तो यहाँ पर मैं ये कर देता हूँ एंड ये आखिरी कस्टमर है इसके ग्यारह पॉइंट नाइन्टी सिक्स डॉलर्स Uh, अरे मैं तो इसको लेनी वट द हेल परचेस प्रोडक्ट लाइसेंस यूजिंग कंप्यूटर ओके ओके डन हो गया तो अभी मेरे को क्या मेरे को प्रोडक्ट लाइसेंस परचेस करना है कैसे कहाँ से आता है प्रोडक्ट लाइसेंस प्रोडक्ट्स लाइसेंस कहाँ पे फर्नीचर और मैं फर्नीचर वगैरह भी अब एक्स्ट्रा बाय कर सकता हूँ हमको ऑब्वियसली इसको बड़ा सा सुपरमार्केट बनाने का है बट हाउ प्रोडक्ट लाइसेंस कैसे बाय करूँ मैं मैनेजमेंट ओ, oh, 200 डॉलर में मेरे को प्रोडक्ट लाइसेंस मिलेगा तो इससे मैं परचेस लाइसेंस टू बी एबल टू सेल प्रोडक्ट्स भी लो तो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स आएंगे जैसे कि मैं भी ये टी पैलेस बेच सकता हूँ मैं फिर ये चीज बेच सकता हूँ एग्स बेच सकता हूँ मैं भाई तो ये अलग अलग लेवल के अलग अलग लाइसेंस आर यू सीरियस भाई अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग लाइसेंस है तो अगर मेरे को फ्लोर बेचना है तो मेरे को लाइसेंस लेवल लेवल सिक्स का स्टोर रिक्वायर्ड है ओके okay, फिर मैं कस्टमाइजेशन कर सकता हूँ हायरिंग भी कर सकता हूँ मैं कैशियर okay, को हायर कर सकता हूँ मैं मेरे को डेली के उसको अस्सी डॉलर देने पड़ेंगे हायरिंग यार अभी तो हायर नहीं कर सकते ग्रोथ अपनी कैसे चल रही है सेलेक्शन सेक्शन टू भाई कितने सारे ऑप्शन है ये ये बिल्स क्या है ओके okay, रेंट का वगैरह आई थिंक मेरे को पैसा देना पड़ेगा तो ठीक है और मेरे को अगर सोना वगैरह होगा तो मैं कैसे सोंगा अभी तो मेरे पास यार ज्यादा पैसे नहीं है तो मैं काम करता हूँ सबसे पहले अब इतना अंधेरा हो गया और ये सबसे पहले मेरे पास जो प्रोडक्ट्स है उनको मैं रखवाता हूँ तो पास्ता अभी तक मैंने बेचा नहीं है तो पास्ते को हम यहाँ पे रखवाएंगे ठीक है इसके अंदर जाएगा पास्ता आखिरी पास्ता पास्ता हो गया पास्ते के बॉक्स में वापस फेंक के आता हूँ यार ये एक एक बॉक्स को हमेशा फेंक के आना पड़ता है ये इशू है थोड़ा सा तो पास्ते को मैं कितने में बेच सकता हूँ थ्री पॉइंट थर्ट बारह डॉलर अगर मैंने चार डॉलर डाला तो मेरे को ज़्यादा मिलेंगे क्या मार्केट माइम में भी ये फिर बिकेगा नहीं तो मैं एक काम करता हूँ मैं तीन डॉलर पॉइंट फोर थ्री पॉइंट फोर्टी कर देता हूँ मैं देखते इससे क्या होता है यार बीच बीच में ना मैं इसमें प्राइस डाल ही नहीं पा रहा आई डोंट नो वाई देखा यहाँ पे नंबर्स ही नहीं आ रहे है मैं नंबर डाल ओके आ गया आ गया भाई पता नहीं क्या हो रहा है इसको बीच में तो मैं इसको थ्री पॉइंट फिफ्टी में बेचने की सोच रहा हूँ देखते हैं अगर मैंने एक्स्ट्रा प्राइस डाला तो बिकता है कि नहीं फिर और पा पास्ता है इस पास्ता तो को फिर मैं यहीं पर यहीं पर रख दूँ मैं यहाँ पर रख नहीं सकता ओके यहाँ पर रखवाते ओके okay. ओके okay, तो अगर पास्ता यहाँ पर रखें तो इसका प्राइस यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया तो मुझे हर बार प्राइस रखने की जरूरत नहीं है फिर उसके बाद मेरे पास एक ओके okay, मैंने पास्ता काफ़ी सारे मंगवाए थे तो ये पास्ता भी इधर ही जाएगा फिर पास्ता का प्राइस ओके okay, सेम प्राइस आ गया बहुत बढ़िया तो पास्ता पास्ता इसके मेरे को पैसे मिल ही जाएंगे और फिर ये मैंने मंगवाया था ब्रेड ब्रेड यहाँ पर रखवाते ठीक है मेरे को हर बार प्राइस डालना पड़ेगा आई थिंक मैंने जो पहले डाला है ओके okay, ओके okay, जो पहले अगर एक बार मैंने प्राइस सेट कर दिया तो आई थिंक उसी प्राइस में ये बिकेगा तो एक बार मैं वापस चेक कर लेता हूँ क्रॉस चेक या एग्जैक्टली सेम प्राइस है थ्री पॉइंट नाइन्टी सिक्स और मैंने नाइनटी डाला ओके okay, तो आई थिंक ये मतलब प्राइस हमेशा चेंज होता रहेगा ऐसा फिक्स प्राइस नहीं रहेगा और फिर थोड़ा सा ओवर ब्रेड है तो उसको भी यहाँ पे रखवाते हैं ओके okay, हर बार हमको प्राइस चेंज करने की जरूरत नहीं है बहुत बढ़िया थ्री पॉइंट नाइनटी एट आ गया तो मैंने यहाँ पे ये रखवा दिया एक बार मैं मैप वगैरह ओपन करके देखता हूँ एंटर टू फिनिश डे तो डे हमारा फिनिश हो गया हमने टोटल कस्टमर्स 26 सर्व करे एक भी एरर नहीं है इसको प्रो गेमर बोलते हैं गाइस अरे <laughs> मेरे को एक सौ अड़तालीस मिल गए और हमारा इनकम दो रहा था उसमें से सप्लाई कॉस्ट एक डॉलर और भाई प्रॉफिट ओनली सिक्सटी वन का है ठीक है बैलेंस 111 डॉलर नेक्स्ट डे तो अभी हमारा डेली एक्सपेंस यू विल बी रिसीव डेली बिल स्टार्टिंग टुडे तो आज से बिल्स वगैरह जनरेट होना तो शुरू हो जाएंगे मेक श्योर टू पे द बिल्स यूजिंग द कंप्यूटर बिफोर ड्यू डेट ओके okay, तो ये ऑटोमेटिकली पे हो जाएंगे ठीक है द मोर इलेक्ट्रिकल डिवाइस द मोर एक्सपेंसिव द बिल्स अरे भाई तो इसको ओपन करते शॉप को शॉप ओपन है यार इसमें ना घर वगैरह जाने का ऑप्शन होना चाहिए था ये क्या स्टोरेज है? है ओ भाई मेरे को स्टोरेज वगैरह भी मिलेगा एक बार मैं आसपास देख लेता हूँ यहाँ पे मतलब क्या क्या चीज़ है भाई मैं तो इधर उधर घूम सकता हूँ इसमें मैप नहीं है क्या इसमें आई डोंट थिंक सो इसमें मैप है यहाँ पे क्या है अपना स्पा वगैरह है तो आई डोंट थिंक सो मैं इसमें जा सकता मैंने दुकान तो मेरी खुली छोड़ी है भाई क्या सुपर है पे यार सारी चालू है। और इधर सामने की तरफ आई थिंक रास्ता है <laughs> भाई, <फरारी। laughs> भाई ये बढ़िया यार आई जस्ट लव सिमुलेशन गेम्स बट अभी वापस जल्दी चलते हैं भाई क्योंकि दुकान पे लाइन लगी होगी लास्ट हमने पास्ता वगैरह बाय करके रखा है बहुत सारे नए कस्टमर्स सा आते होंगे कस्टमर इज वेटिंग फॉर चेक आउट आरो में आरो Uh, कस्टमर आ चुके हैं इसने पास्ता खरीदा है वेलकम मैम वेलकम वेलकम सात डॉलर्स मिलेंगे पास्ता बेच के वैसे भी मेरे को पैसे चाहिए बिकॉज हमको लाइसेंस चाहिए एग्ज़ वगैरह बेचने का इसने कैश दिया तो इसको चार सेंट्स वापस देने परफेक्ट अरे सुबह सुबह दो ही कस्टमर्स आए क्या मेरे को लगा ज़्यादा आएंगे बट ठीक है मे भी आ, आ ही आते ही होंगे और मुझे लग रहा है अगर मैंने प्राइस ज़्यादा डाला है ना तो कस्टमर्स कम आएंगे ऐसा मुझे फील हो रही है बट अभी मेरे को सबसे पहले ये 200 डॉलर का जो टास्क है उसको कंप्लीट करना है तभी जाके मेरे को लाइसेंस मिलेगा एंड जब मेरे को लाइसेंस मिलेगा तो एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे और मैं अभी आके जो लाइट है उसको बंद ही कर देता हूँ क्योंकि यार एक्स्ट्रा बिल मेरे को नहीं चाहिए ये मैं पी को ऑफ कर सकता हूँ क्या आई डोंट थिंक सो मैं इसको ऑफ कर सकता हूँ <laughs> बट ठीक है एक और कस्टमर आ गया मैम बड़ा कम स्वागत है एक ही पास्ता का बैग खरीदा इसने नहीं नहीं और भी खरीद रही है सो दैट्स वाई ना वैरायटी होनी चाहिए अगर वैरायटी रहेगी ना तो ज़्यादा लोग आएंगे ये हमको ज़्यादा पैसे मिलेंगे अभी देखा इसने वैरायटी ऑफ आइटम खरीदे पंद्रह डॉलर बहुत बढ़िया फिफ्टीन पॉइंट फोर्टी सिक्स डॉल्स डन एक सौ इकतालीस डॉलर्स आगे मेरे पास अभी मेरे को पचास डॉलर और चाहिए अरे यार इसने तो एक ही आइटम खरीदा है और वो भी कैश दिया है मेरे को चेंज भाई चौदह डॉलर का चेंज देना पड़ेगा ओके okay, इसने मेरे को बीस डॉलर दिए तो यहाँ पे चौदह डॉलर ये टेन टेन uh, डॉलर हो गए और फिर एक दो तीन चार और ये वन टू डन तो चौदह के मैंने इसको चेंज दी थी सो so, देखा आई कुडेंट फाइंड द सीरियल ओ अभी लोग कंप्लेन भी कर रहे हैं उनको उनका पसंदीदा सामान नहीं मिल रहा है हाँ भाई थोड़ा सा रुको मैं ऑर्डर कर ही दूंगा मैं यार कर दूँ क्या ऑर्डर थोड़ा ये लाइसेंस हम बाद में ले लेंगे फिर आई एम सो कन्फ्यूज राइट ना तो इसको मेरे को कितने सात डॉलर दे देना तीन डॉलर वापस देने तो वन टू थ्री थैंक यू सो मच सर एक सौ चौपन डॉलर आ गए वापस इसने दस डॉलर देने इसको चेंज uh, बिल्कुल नहीं देनी है वन सिक्सटी फाइव डॉलर से आ गए ओके okay, मैडम जी आइए सात डॉलर इनका होता है थैंक यू तो वन सेवेंटी टू डॉर्स आगे अभी मेरे पास गाइड्स मेरे को बस अभी थर्टी डॉलर्स और चाहिए तो वो आने के बाद मैं फिर लाइसेंस बाय करूंगा बट लोग अभी कंप्लेंट भी तो कर रहे हैं ना उनको जो पसंदीदा सामान है वो नहीं मिल रहा तो मेरे को अभी नए शेल्स वगैरह भी मतलब यू नो बाय करने पड़ेंगे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं बिल तो अभी तक आया नहीं है ग्रोथ भी अपनी ठीक ठाक चल रही है और मेरे को कैशियर वगैरह भी हायर करने वेट मैं चार चार कैशियर के यहाँ पे स्टैंड लगा सकता हूँ भाई ये तो बढ़िया है यार बट अभी उतने पैसे तो है नहीं अभी हम शुरुआत पे काम कर रहे तो उतने पैसे अपने पास नहीं होंगे इसको सात डॉलर देने भाई इसने पचास डॉलर फोर्टी थ्री डॉलर को वापस देने यार इतने पैसे क्यों देते हो यार लोग फोर्टी और ये तीन डॉलर वन टू थ्री टन हो गया इसको भी दे देते पैसे कार्ड दस डॉलर टेन पॉइंट नाइन्टी एट डॉलर थैंक यू सो मच वन नाइन्टी डॉलर हो गए अभी मेरे पास गाइज लाइसेंस तो आ ही जाएगा अंडे बेचने का और ये मैडम जी ने कुछ बटाटे खरीदे हैं I mean, <laughs> ब्रेड और पास्ता खरीदा है आई थिंक इनको ब्रेड पास्ता अच्छा लगता है खाने में ओके काफी सारा समा ओके फोर्टीन डॉलर्स लेट्स गो गाइज अपना टास्क कंप्लीट हो जाएगा ओके दो सौ पाँच डॉलर आ गए तो मैं सबसे पहले यहाँ से जाके लाइसेंस बाय करने वाला हूँ सो so, लाइसेंस परचेज लेट्स गो अभी गाइज चीज़ बेच सकता हूँ कॉफ़ी बेच सकता हूँ वन बेच सकता हूँ लेट्स गो तो लेवल ले, अपना लेवल थ्री पे शोर चला गया अभी मेरे पास ओनली पाँच डॉलर बचे डोंट फरी बहुत सारे पैसे आ जाएंगे ये किसका बॉडी गार्ड आया लगता है खरीदे करने के लिए बेचा है किसने इसको भेजा है <laughs> किसके बॉडी गार्ड हो सर आप कैश लेके आए भी अपने साथ तो ठीक है गाइज मेरे पास अभी बीस डॉलर आ गए तो मैं सबसे पहले कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर करने की सोच रहा हूँ सो प्रोडक्ट्स आते हैं यहाँ पे वापस इसको कट करते इस टैप को एंड मार्केट में चलते हैं तो अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे प्रोडक्ट्स तो भाई कितने सारे प्रोडक्ट्स आ गए तो मैं भी पानी की बोतलें बेच सकता हूँ मेरे पास बीस डॉलर्स से हैं तो मैं सोच रहा हूँ पानी की बोतलों से ही शुरुआत करते हैं बट यार हर बार मेरे को आठ डॉलर तो यार शिपिंग कॉस्ट दो डॉलर देना पड़ रहा है ठीक है अभी दे देते हैं ठीक है थीके? मैं पानी की बोतलें तो आ ही जाएंगी ये सर आई थिंक किसी किसी होटल से आए लगते हैं कार्ड ला ओके थ्री पॉइंट नाइन्टी ओके डन ये बॉडी वापस आ गया भाई तू वापस बार बार कहा यार है लास्ट टाइम तो उसने कैश दिया था सात डॉलर इसके हो गए ये मैडम जी आइए ब्रेड खरीदे मैडम जी ने कैश दिया है मेरे को चार सेंट्स वापस देने अभी देखा मैं कितना प्रो हो गया बस आधा बीस मिनट भी नहीं हो गए मैंने गेम खेलना और हम प्रो बन गए इस गेम में अभी मेरे को पैसा हैंडल करना आता है तो अभी मैं ना रियल रियल सुपर मार्केट या मॉल में भी भी काम करने के लिए मैं जा सकता है सो हो गया मेरे को थर्टी टू डॉलर वापस मिल गए और जो मैंने पानी की बोतलें मंगवाई थी उनको भी जल्दी से आप रखवा देते हैं पानी की बोतलें बोतलेंगी यहाँ पे प्रोडक्ट नीड्स टू क्या नीड्स टू और भैया जी भैया बाबा रे बाबा दद्दा रे दद्दा यार अभी इसके लिए गाइस मुझे फ्रिज बाय करना पड़ेगा यार मैंने ठीक है अभी फ्रिज तो महंगा हो गया यार अभी फ्रिज को बाय करने के लिए क्या ही बताया अभी कस्टमर इज वेटिंग फॉर चेकआउट हाँ मैंने गलत प्रोडक्ट बाय करा ठीक है ऑब्वियसली पानी के बोलों के लिए फ्रिज चाहिए मुझे देखना चाहिए था पहले ही ठीक है कोई नहीं मैं फ्रिज बाय कर लूंगा गाइज फोर्टी सिक्स हो गए इसके थैंक यू सो मच फोर्टी फोर डॉलर मेरे पास वापस आ गए तो फ्रिज कितने का आएगा बट मेरे को ये पता नहीं है सो so, अगर मैं यहाँ पे फर्नीचर में आता हूँ तो फ्रिज भाई दो सौ डॉलर का है नको रे नको प्लीज नको मेरा इतना बजट नहीं है रे बाबा भाई ये बहुत महंगा है तो ठीक है अभी फिर क्या करें फिर मैं अभी मेरे को नॉर्मल चीज़ें ही बेचनी पड़ेगी ये कॉफ़ी वगैरह के लिए तो फ्रिज नहीं चाहिए ना मेरे पास अभी फोर्टी फो डॉलर है मैं का चीज़ के लिए भी फ्रिज चाहिए होगा मिल्क के लिए भी फ्रिज चाहिए होगा ब्लैक टी के लिए आई डोंट थिंक सो तो फ्रिज चाहिए तो ये अ, मेरे को फिफ्टी बट फिफ्टी फाइव यार बहुत महंगी है ये फ्लोर फ्लोर हाँ फ्लोर में ऑर्डर कर सकता हूँ ये मेरे को मिल रहा है छः डॉलर में तो ये मैं फ्लोर या एक काम करते हैं डॉलर का फ्लोर ऑर्डर करने वाला हूँ मैं जो कि मेरे को फोर्टी वन डॉलर कॉस्ट पड़ेगा तो मैंने फ्लोर ऑर्डर कर दिया है और बहुत अंधेरा हो गया भाई ऐसा लग रहा है कुछ दिखाई नहीं दे रहा है वैसे मैं ना अंधेरा अंधेरे में ही काम कर रहा हूँ बिकॉज ज़्यादा बिल इलेक्ट्रिसिटी का पे ना करना पड़े यू नो स्मार्ट बिजनेस मैन एम इन्होंने भी कैश दिया है दो सेंट्स वापस देने थैंक यू सो मच वापस ज़रूर आइएगा ब्रेड दिया है अभी लोग कैश यार कैश लोग क्यों यूज़ करते हैं ज़्यादा यार ज़्यादा नहीं कैश यूज़ करना चाहिए ओके okay. <laughs> कार्ड है तो बेटर है ये दादी जी इन्होंने भी कैश दिया है चार सेंट्स वापस देने डन 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 मैडम जी आइए मैडम जी ने ब्रेड ख़रीदे परफेक्ट और, इस, और इन, इन्होंने कार्ड दिया है सात पॉइंट नाइन्टी सिक्स डॉलर्स डन इनको भी इन्हें दे दिए पैसे और अभी सबसे पहले तो बाहर चलते हैं और अपना पानी अरे ये <laughs> कितने बॉक्सेस आ गए फ्लोर के प्लीज़ बोल दो तो मैं इसमें फ्लोर रख सकता हूँ या हम रख सकते हैं गाइस या बहुत बढ़िया फ्लोर मैंने रखवा दिया अभी एक एक में यहाँ पे एक सेकेंड ये फ्लोर ख़रीदना मत अभी तक मैंने उसका प्राइस नहीं डाला है एए, ने, 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 ने ,ने, ने, 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 ए, 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 नहीं 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 पागल पागल शिट गाइस गाइस सुबह सुबह नुकसान हो गया इसको ये सबसे पहले मेरे को पे प्राइस लगाने दो वही गधे कहीं के तीन पॉइंट में नब्बे डॉलर में बेचेगा इसको वो उतना फ्री में ले गया गाइस यार ये तो गलत बात है मतलब प्राइस प्राइस डालने से पहले वो फ्लोर लेके चला गया गधा कहीं का ठीक है कोई नहीं मैं पे इसको रखवा देता हूँ Uh, ये यह, यहाँ पे भी रहेगा मैंने फ्लोर काफ़ी सारा मंगवाया है सर थोड़ा सा रुको मेरा ना काम चल रहा है यहाँ पे मेरे को सारे डिब्बे सबसे पहले रखवाने दो क्योंकि यार अगर वापस कोई आएगा तो सस्ते में लेके चला जाएगा मेरे को चूना लगा दिया उसने ठीक है ये यह फ्लोर यहाँ पे जाएगा ये वाला बॉक्स इधर आ गया और अभी आखिरी के दो बॉक्सेस बचे भाई मैंने कुछ ज़्यादा ही फ्लोर ऑर्डर नहीं कर दिया बट इतना ठीक है चाहिए था मेरे को सस्ती चीज़ें ना तो हमेशा दुकान बराबर लगेगा तीन पॉइंट नब्बे डॉलर और वैसे भी यार मैंने पास्ता लास्ट टाइम महंगा बेचा था बट फिर भी सारा बिक गया तो ऐसा नहीं है कि मेरे को ना उतने ही प्राइस में बेचना है मैं चाहे उतने प्राइजेस में चीज़ें बेच सकता हूँ यहाँ पे तो यहाँ पे भी फ्लोर रखवा देते हैं जस्ट लाइक दिस मैंने फ्लोर फ्लोर कर दिया यहाँ पे आटा आटा बहुत सारा आटा है एंड अभी चलते हैं वापस और ये काट दिया इन्होंने थ्री पॉइंट नाइन्टी एट डॉलर्स लेट्स गो आ गया थ्री पॉइंट नाइन्टी एट डॉलर्स और ये फ्री में ले गया देखा अभी हार्ड वर्किंग कैशियर मेरे को अचीवमेंट मिल गया और ये फ्लोर तो फ्री में ही लेके चला जाएगा अभी या पैसे देगा ये पता नहीं नहीं नहीं, नहीं फ्लो ओके पैसे मिल रहे हैं मुझे ओके ओके मैंने प्राइस डाला ना दैट्स वाई तो मेरे को सिक्स पॉइंट थर्टी फाइव डॉलर्स लेने इससे थैंक यू सो मच सर वापस जरूर आइएगा तो हो गया आज का, का काम मेरे पास फिफ्टी वन डॉलर्स आ गए और आई थिंक रात हो गई है तो मैं फिनिश कर दूँ डेको या फिनिश करते डेको इंटर टू फिनिश द डे तो दूसरा दिन भी बिक गया प्रोडक्ट्स नॉट फाउंड एक प्रोडक्ट्स एक गलती हुई आज बस प्रॉफिट uh, आज का है अपना फिफ्टी वन डॉलर्स भाई लास्ट टाइम सिक्सटी था आज फिफ्टी वन है ठीक है दुकान वापस ओपन करना पड़ेगा आई थिंक अभी बिल वगैरह जनरेट हो गया होगा अभी मेरे को फ्रिज और शेल्फ बाय करना है तो एक बार देखते हैं अपना बिल कितना जनरेट हुआ है डेफिनेटली बिल आया होगा अगर मैं यहाँ पे आता हूँ मैनेजमेंट में बिल्स में तो ओके <laughs> okay, भाई यार, रेंट बीस डॉलर है और वैसे छः दिन में इसको मैं दे सकता हूँ तो ठीक है मैं उसको छः दिन में दूंगा अभी नहीं यार अभी मेरे को थोड़ा सा ना सामान बाय करने का है तो मैं बाय मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा ना सीरियल बाय करते हैं थर्टी फाइव में मिलेगा यार बट यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है थर्टी 35... फाइव और मैं कुछ ये डिस्प्ले ब्रेड ये 11 में मिलता है ना तो 47 सेवन या दो चीज़ें ऑर्डर कर देता हूँ मैं शिपिंग कॉस्ट भी लगेगा इसको दो डॉलर तो ठीक है मैंने ऑर्डर कर दिया थोड़ा सा मैडम जी आइए और यार अच्छी बात तो ये ना ये ऑर्डर करती है भाई सामान आ जाता है और हर हर बार मेरे को प्राइस लगाने की जरूरत नहीं है एग्जैक्टली exactly उसी प्राइस में ये बिक जाता है देखो मैंने यहाँ पे ब्रेड रखवा दिए जस्ट लाइक दिस और फिर उसके बाद हमने ये मंगवाया था कुछ सीरियल सीरियल रहेगा ऊपर वाले फ्लोर पर दैट्स का इस बार ज़्यादा आ रहा है क्या आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है ठीक है इसको भी आप पे रखवाते हैं अभी सुबह हो है जल्दी से कस्टमर्स आ रहे हैं वेट कर रहे हैं यार बस एक आटे का बोरी खरीदा है तूने तीन पॉइंट नब्बे डॉलर थ्री के और इसमें मैंने प्राइस आटे का ज़्यादा डाला यार फिर अच्छा मतलब पैसे तो अच्छे खास मिल रहे हैं ठीक है थ्री डॉलर इसने दो आटे खरीदे और <laughs> भाई सौ डॉलर दिए इसने मेरे को नाइन्टी डॉलर का चेंज देना पड़ेगा तो पचास डॉलर और ये नब्बे और ये दो डॉलर और ऊपर वन टू नहीं नहीं ज़्यादा देना पड़ेगा ट्वेंटी है तो और ये वन टू थ्री भाई नाइन्टी टू डॉलर का चेंज दिया है मैंने और इस बार देखो इसके ओ उन्नीस डॉलर अब तक के सबसे ज़्यादा पैसे मिले मेरे को थर्टी डॉलर का चेंज देना पड़ेगा तो थर्टी डॉलर और ये पाँच 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 पाँच, पाँच और ऊपर वन टू थ्री फोर डन भाई मैं स्मार्ट बन गया अभी ठीक है कार्ड दिया मैडम ने नाइनटीन डॉलर्स अभी अच्छे खासे पैसे मिल रहे यार तो मैं अगर ओब्वियसली यार मैं अगर ज़्यादा महंगी चीज़ बिकता हूँ तो अच्छी खास चीज़ें मिलती है और इसको चीज़ नहीं मिला ओ, तो चीज भी गाई हमको शॉप में जल्दी बेचना पड़ेगा और सर आए हेलो सर कम सेवन पॉइंट एटी डॉलर है थैंक यू सो मच तो मैंने मेरा मेरे पास ओनली सिक्सटी वन डॉलर आ गए ठीक है इसने कैश दिया इसको चार डॉलर वापस देने तो वन टू थ्री फोर और ये पाँच और वन टू थ्री फोर डन इसको वापस दे दिया मैंने तो अभी लोग बोल रहे हैं उनको चीज चाहिए बट यार वो यारेल बहुत महंगा है यार दो सौ डॉलर क्या मेरे पास उतना तो पैसेज नहीं है तो दैट्स अभी मैं तो नहीं कुछ करने वाला Uh, जब पैसे आएंगे तो मैं बाय करूंगा वैसे मैं लोन ले सकता हो बैंक से क्यों ना वो गाइस ट्राई करें एक बार नाइन पॉइंट एटी एट डॉलर देखो अभी मेरे पास एटी सिक्स डॉलर वापस आ गए लोग कंप्लेंट कर रहे तो मैं सोच रहा हूँ एक बार लोन में देखता हूँ बैंक में हमको कितने इंटरेस्ट रेट पर मिल रहा है तो यहाँ पे बैंक में अगर आते तो मेरे को सात सौ पचास डॉलर का लोन मिल रहा है रिटर्न uh, करना पड़ेगा मेरे को क्या आठ सौ बासठ डॉलर मेरे को रिटर्न करना पड़ेगा भाई ये कुछ ज्यादा ही नहीं है डेली मेरे को सत्तावन डॉलर पे करने पड़ेंगे आई डोंट थिंक सो मैं इतना ले सकता हूँ और मैं यहाँ से क्या ये क्या चीज़ है मैं यहाँ से ओ अगर मैंने 25 दिन के लिए लिया तो मेरे को नौ सौ डॉलर पे करने पड़ेंगे और डेली का मेरे को 37 डॉलर का पेमेंट करना पड़ेगा अरे वाह भैया डेली इंटरेस्ट <laughs> भैया यहाँ पे बहुत खतरनाक सिस्टम है ये 13.78 डॉलर होते हैं इनके थैंक यू सो मच इसको टी ब्लैक चाहिए जो कि अपनी दुकान में इसको नहीं मिला और कस्टमर्स भाई बहुत सारे आ रहे हैं तो ये जो लोग गाइस बोल रहे हैं ना वो सारी चीज़ें मुझे अपने शॉप में भी रखवानी पड़ेंगी बट अभी मेरे पास पैसा नहीं है दैट्स समय मैं ना थोड़ा सा चीज़ें नहीं लगवा रहा हूँ इसको बॉटल वाटर चाहिए जो कि मेरे पास है बट मेरे पास फ्रिज नहीं है दट समय में बेच नहीं पा रहा थोड़ा रुको बस थोड़ा रुको आ, सारी चीज़ें आपको कुछ ही दिनों में मिल जाएंगी इसको 12 सेंट्स वापस देने थे इसको भी ब्लैक टी चाहिए था सर कुछ ही दिनों में हमारे शॉप में आ जाएगा थोड़ा सा अभी अभी नया नया दुकान खुला है और इसको चीज़ चाहिए था देखा हर एक हर एक कस्टमर भी कंप्लेन कर रहा है तो ठीक है सर थोड़ा सा रुको बट हो जाएगा इसको नाइन्टी डॉलर इन्होंने थोड़ा सा सीरियल ख़रीदा है कैश दिया है चार डॉलर वापस देने पड़ेंगे वन टू थ्री फोर पॉइंट पाँच और छः परफेक्ट तो मैडम जाइए इसको भी चीज़ चाहिए था अभी मेरे पास ओके वन फोर्टी सिक्स डॉलर आ गए गाइज मैं भी ना सबसे पहले वो शेल ऑर्डर करने वाला हूँ शेल नहीं मैं ना सोच रहा हूँ वो कॉफ़ी वगैरह लोग कंप्लेन कर रहे तो वो ऑर्डर करते हैं बट ऑब्जेक्टिव तो अपना शेल का है ठीक है मैं देखूंगा अभी ठीक है अभी सबसे पहले मैं यहाँ पे चीज़ें बेच देता हूँ उसके बाद हम लोग विचार विमर्श करेंगे ब्लैक कॉफी कुछ ज़्यादा ही लोग कंप्लेंट कर रहे हैं ठीक है, है? ब्लैक कॉफ़ी के बारे में तो मेरे को ब्लैक कॉफ़ी बेचना ही पड़ेगा इसको भी दे दिया इन सर सर ने ये काफ़ी अच्छे खास ब्रेड वगैरह खरीदे ओके एग्जैक्टली सेम अमाउंट दिया मेरे को इसको सेरेल चाहिए था जो कि कभी ख़त्म हो गया है आ, एक ही आटे की बोरी खरीदी मैडम जी ने यार क्या मैडम जी थोड़ा सा ज़्यादा सामान खरीदना चाहिए और मेरे पास वन एटीजन आ गए Uh, उसको मैंने कुछ गलत दिया क्या आई एम सॉरी यार गलत दिया होगा तो और अभी मेरे पास I think, 200 आई थिंक दो सौ डॉलर गाइज आ ही जाएंगे यार थोड़ा सा और ठीक <laughs> है वन नाइन्टी फाइव हो गया आई कुडन फ्राइड ब्लेड साइड ओके जो ये माइनस पॉइंट इसकी वजह से मिलता है अगर कस्टमर्स को जो सामान चाहिए वो उनको नहीं मिलता तो अरे बाबू भैया सो so, गई मुझे लग रहा है ना मुझे लग रहा है कि सबसे पहले ना हम uh, जो नॉर्मल चीज लोगों को जरूरत है ना अभी मैं 200 डॉलर का सामान ऑर्डर करने वाला हूं फ्रिज हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में ऑर्डर करेंगे ठीक है तो अभी यहां पे मैं सेरेल ऑर्डर करने वाला हूँ एड टू कार्ट एक एक ऐटो कार्ड करते थर्टी फाइव डॉलर का एक स्लाइस ब्लेड ऑर्डर करते एक फ्लोर तो है मेरे पास ऑयल ऑर्डर करते पास्ता ऑर्डर करते वो वो जो ब्लैक कॉफ़ी के लोग बोल हैं ब्लैक कॉफ़ी डार्क ये लोग बोल रहे थे और चीज़ काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं बट तो मेरे पास चीज़ को रखवाने के लिए सामान नहीं है सो दैट्स वाई मैं ब्लैक कॉफ़ी थोड़ी सी और और ऑर्डर कर देता हूँ वन एटी फाइव डॉलर्स लगेंगे मेरे पास वन नाइनटी फाइव है और ऑर्डरिंग शिपिंग कॉस्ट चार डॉलर का तो ठीक है मैंने काफ़ी सारा सामान अभी ऑर्डर करा है और अंधेरा हो गया लाइट थोड़ा ऑन करते हैं बिल ज़्यादा हुआ तो क्या हुआ हम लोग लाइट दे, दे देंगे आपको ठीक है इसको सोलह डॉलर वापस देने पाँच परफेक्ट इसको भी चीज़ चाहिए था यार अगर लोग कस्टमर कंप्लेन करके वापस जाते तो मेरे को माइनस पॉइंट मिल रहा है जो कि मेरे रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं है यार वैसे मैंने ऑर्डर कर दिया अभी कॉफ़ी वो तो आ चुकी है तो थोड़ा सा रुको इसको कॉफ़ी चाहिए थी सर सर रुको एक सेकेंड अभी मैं सबसे पहले सामान देने से पहले ये कॉफ़ी वगैरह यहाँ पे रखवा देता हूँ लेकिन अगर मैंने कॉफ़ी रखी ना तो ये लोग फ्री में सामान उठा के लेके जाएंगे तो मैं सबसे पहले कॉफ़ी रखवा दूँ और इसको यहाँ पे प्राइस सेट करें तो मुझे प्राइस मैं ओके मैं कॉफ़ी दस डॉलर में बेच सकता हूँ तो दस पॉइंट पॉइंट एक सेकेंड दस पॉइंट नाइन्टी एट में बेचेगा गए मैं परफेक्ट तो भाई भाई भाई, भाई ये मेरे को कॉफ़ी ना बहुत पहले बाय करनी चाहिए थी अभी मैंने कॉफ़ी वैसे अच्छी खासी बाय करी है तो भाई अभी अच्छा खासा प्राइस सब मिलेंगे अब भैया तो ये हो गया फिर उसके बाद ये पास्ता पास्ता का मैंने प्राइस ऑलरेडी सेट करके रखा था तो ओके okay, या yeah, वो ऑलरेडी आ, आ चुका है सो डोंट वरी पास्ता भी मैंने रखवा दिया सबसे पहले ज़्यादा सामान रखवाना चाहिए ये बढ़िया मैंने ऑयल का भी प्राइस सेट करके रखा था तो ऑयल भी जाएगा अभी यहाँ पर सो तो भी देखो अगर ज़्यादा वराइटी रहेगी ना तो ज़्यादा लोग आएंगे और जितना ज़्यादा लोग आएंगे उतना ही हमारा बिज़नेस बहुत बढ़िया चलेगा ब्रेड भी चाहिए था लोगों को कंप्लेंट कर रहे थे लोग तो ब्रेड भी रखवा दिया मैंने नाइस और ये आखिरी आखिरी अपना सीरियल बच्चा है तो ये भी ऊपर रखवा देता हूँ मैं तो मेरे को अभी बस देखो अभी कमाई कैसा होता है अभी बहुत पैसा मिलेगा अपने को सो so, जल्दी से चलते हैं और वैसे मैं डे को फिनिश कर सकता हूँ बट नहीं हम हार्ड वर्किंग है तो आज हम बहुत सारा सामान बेचेंगे सेवन पॉइंट एटी डॉलर्स uh, डन फिर इसने फ्लोर खरीदा है सेवन पॉइंट सेवन पॉइंट अरे एटी 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 एट्टी डॉलर्स अरे ये क्या हो गया एक सेकेंड सेवन पॉइंट एटी अरे ये क्या हो रहा है ये एक सेकेंड एट्टी हाँ थोड़ा सा गाइज मिस्टेक हो गया था एक ही आटा खरीदा है तूने क्या यार एक आटे के लिए आई है मेरी दुकान में तो वैसे रोज़ आती है इनकरेक्ट पेमेंट अमाउंट ओके अगर मैं इनकरेक्ट डालता हूँ तो इनकरेक्ट आता है वहाँ पे ओ तो मैं गलत बेच ही नहीं सकता लोगों को ठीक है समझ गया मैं इसको भी थ्री पॉइंट नाइन्टी डॉलर्स डन इसको भी बेच दिया इसको सेरेल चाहिए था अभी है यार देख तो ले पहले इसने कैश दिया है ओके परफेक्ट तो ब्लैक कॉफ़ी अभी तक किसी ने वैसे खरीदी नहीं है पता नहीं क्यों लोग तो कंप्लेन कर रहे थे ब्लैक कॉफी चाहिए उनको गरे कहीं के लोग ठीक है मैं अभी आई थिंक अपना डे एंड करने की यहाँ पे सोच रहा हूँ सो डे एंड करते हैं ठीक है सो गाइज टोटल तीन दिन हो गए चौदह प्रोडक्ट्स आज लोगों को नहीं मिले जो कि मैंने ऑर्डर करके रखे तो नेक्स्ट एपिसोड में ना मैं सोच रहा हूँ हम बढ़िया सा फ्रिज ऑर्डर करेंगे क्योंकि अगर फ्रिज मैंने ऑर्डर करा तो मुझे लग रहा है कि हमको ना अच्छे खासे पैसे मिलेंगे तो ये बॉक्स को मैं यहाँ पे पीछे वापस रखवा देता हूँ और हम नेक्स्ट एपिसोड में फ्रिज बेचेंगे हमने जो बोतलें वाटर के ऑर्डर करी थी उसके लिए हम शेल्स बाय करेंगे तो नेक्स्ट एपिसोड में आ, हम इस गेम को थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करेंगे बहुत बढ़िया गेम है गे, मेरे को मजा आ रहा है खेलने में बहुत दिनों के बाद हम कोई सिमुलेशन गेम कर रहे तो प्लीज लाइक कर दो वीडियो को एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय